Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। तीन नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और एक डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 16 पर एक डेथ शामिल है आज के इस बुलेटिन। कर्नाटक भर की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 800 के करीब का नजर आ रहा है और बेंगलुरु अर्बन के अंदर 775 केसेस रजिस्टर हुए। उसके बाद आज हम बात करते हैं एक वास्तु एक्सपर्ट चंद्रशेखर गुरुजी, जो कर्नाटक में काफी फेमस थे, उनका दिन दिहाड़े मर्डर किया गया। वीडियोस व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि हुबली के अंदर एक होटल के लॉन्च में इन्हें मल्टीपल बार स्टैप कर मार दिया गया, लेकिन 4 घंटे के अंदर पुलिस, जो हुबली धारवाड़ और बेलगाम पुलिस ने मिलकर कातिलों को पकड़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है वार्निंग आ रही है, जहां पर सेंट्रल इंडिया और वेस्ट कोस्ट इंडिया में हो सकती है भारी बरकम बारिश। छत्तीसगढ़, कोंकण एरिया, महाराष्ट्र, गोवा, कोस्टल कर्नाटक, केरला, जिसका असर नॉर्थ कर्नाटका में भी दिख रहा है, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं कि बादल ज़्यादा छाए हुए हैं और रिमझिम सी बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। हालांकि यहां पर कोई डायरेक्ट रेन नहीं आ रहा, लेकिन आसपास का मौसम इस तरह से होने से गुलबर्गा के अंदर भी इस तरह का असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद कल हमने वीडियो बनाई थी टीचर की, आज उसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमने बनाया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे को टीचर मारा है। इसका नाम छोटू है और ये मामला बिहार पटना का है, जया कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट का ये मामला है, जहां पर बच्चे को जो है पढ़ाई करते वक्त बुरा तरीके से पीटा गया। छोटू की तरफ से बाद में जब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद पेरेंट्स भी आए और आसपास के लोग भी आए, इसे अरेस्ट भी किया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में के अंदर भी जो है फोड़म फाड़ी भी हुई। और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमने डाला डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसकी लिंक है। जो हुआ उस बच्चे के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट आगे दोबारा रिपीट ना हो। सोशल मीडिया का पावर ये है कि सोशल मीडिया से लोगों तक इन्फॉर्मेशन बहुत फैल जाती है, तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं, भाई ये वीडियो फॉरवर्ड करके जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुँचाओ ताकि वो पकड़ा जाए। वो पकड़ा गया है ऑलरेडी, जो है कस्टडी में है छोटू, और उसके साथ जो होना है वो तो बिल्कुल होगा। और आप हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के जो है ना जो स्टैंडर्ड्स हैं, खास करके चाइल्ड वायलेंस को लेकर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वरना वीडियो जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस पर स्ट्राइक हो जाएगा, तो 7 दिन तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए ये वीडियो को आप सिर्फ फेसबुक पर देख सकते हैं, और मैं आपको फिलहाल के लिए अलविदा कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग gohash.in। मुसलमान को परेशान किया जा रहा है गौरक्षक के नाम पर, कह रहे हैं जेडीएस पार्टी का स्ट्रांग स्टैंड आ रहा है, स्ट्रांग स्टेटमेंट आ रहा है कि आने वाली बकरीद के अंदर कोई परेशानी ना हो। और उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी हमेशा तैयार है, और हम ऐसे कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप बता सकते हैं और हम ज़रूर यहाँ पर आपका साथ देंगे। श्री राम सैन्य वाले एक ही हिंदू है, दो तीनों हिंदू है, दूसरे लोग हिंदू नहीं है। ये हिंदू धर्म को जो है ना तुम अपमान कर रहे, हिंदू धर्म सत्यानाश कर रहे तुम लोग। कुरैश बिरादरी के लिए, मुसलमानों के लिए परेशानी कर रहे हैं, और मुसलमानों को तो खास करके ऐसा लग रहा है कि गुलबर्गा के ज़िले में टारगेट किया जा रहा है। 10 तारीख को जो बकरी ईद कर रहे हैं, वो बकरी ईद के वास्ते तुम क्या करना है करो, डरना नहीं, कुछ हुआ तो हमारे को इन्फॉर्मेशन करो। जो भी VHP RSS बजरंग दल के लोग हमारे लोगों को परेशान करेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप फ़ोन करिए। आपके साथ जनता दल की पूरी पार्टी है, पूरी टीम है, नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं, इंशाल्लाह जो भी लीगल काम होगा कोर्ट का हम जनता दल वाले लोगों के लिए करेंगे इंशाल्लाह ईद तक। हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए इस किस्म के कानून बनाए जाते हैं, और वही कानून गोवा में नाफिस नहीं होता है, वही कानून नॉर्थ ईस्ट में नाफिस नहीं होता है, वही कानून वहाँ पर उन लोगों को बीफ खाने के लिए खुली छूट और इजाज़त रहती है। ना सिर्फ किसानों पर, बल्कि जो कुरैश बिरादरी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हमला करे हैं। तुम पुलिस लोग क्या कर रहे, फार्म हाउस को जा रहे, कहाँ का फार्म हाउस में जो ना पाले तो भैंसा रहते, गाय रहते, बैल रहते, बकरियाँ रहते, हर चीज़ रहते वहाँ उनके पास, जो है ना पूरे ये करे सो जिरात बता रहे। एक आदमी हमारा खेत है, हम पालने के लिए लाए था, बोल के बोले तो भी तुम सुनने को तैयार नहीं है। इसका वजह क्या है, सुनने का तैयार नहीं बोलो तो वजह क्या है, हाँ तुम बोलो। नहीं हम कहाँ बोले, वहाँ जो ना पालो मत, क्या भी करो तुम लेके जाते बोल के बोलते है, ये क्या हिसाब से बोल तुम बोल रहे।
उसके बाद हम बात करते हैं पीपुल्स यूनाइटेड फोरम की तरफ से आज रखी गई थी प्रोटेस्ट। हफ्त गुमत से लेकर जगह सर्कल तक पैदल मार्च रखा गया था, जहां पर सभी एनजीओस और एक्टिविस्ट वहां पर मौजूद रहे और इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है गुलबर्गा से। ये भरी सरकार को हमने चिल्ला चिल्ला कर गुलबर्गा की सरजमीन से हक की आवाज़ को बुलंद की है। तिस्सा सतलवाल का हुआ, उनको केस करने की जुर्म में उन्हें जेल में डाला गया है। ये सरकार हक की आवाज़ उठाने वालों को जो आँख में आँख डालकर उन्हें आईना बताती है, उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट डॉट नॉट बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, लगातार सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ऐसे लोगों को टारगेट कर कर फॉल्स केसेस में अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे भाई जुबेर को अरेस्ट कर कर जेल में बंद करती है, उसके ऊपर झूठे झूठे केसेस डालती है। भीमा कोरेगांव फॉल्स केसेस में जो एक्टिविस्ट को, जो पोएट्स को, जो राइटर्स को, जो एकेडमिशियंस को अरेस्ट किया गया था, जो रिलीजियस फिगर फादर स्टेन स्वामी को अरेस्ट किया गया था, आज ही के दिन पिछले साल उनका निधन हो गया। सबसे पहले आज हम फादर स्टेन स्वामी को आज के दिन हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं और बीजेपी से ये कहते हैं कि तुम जब जब हक की आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, सच्चाई उतनी ताकत के साथ होती रहेगी। के बाद हम बात करते हैं यूथ वेलफेयर कर्नाटका तेलंगाना की तरफ से रखा जा रहा है टीम बकरीद अवेयरनेस। जी हाँ, बैनर का इनॉग्रेशन शेख फहाद मोहसिन प्रेसिडेंट यूथ वेलफेयर कर्नाटका की तरफ से किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, खास करके बकरीद को लेकर, जहाँ पर हाइजीन किस तरह से रखना है सोसाइटी के अंदर और किसी को तकलीफ ना देना, इस तरह का मिशन लेकर कर्नाटका यूथ वेलफेयर चल रही है और उसी को चलते हुए ये मिशन के तहत काम किया जा रहा है। आई देखते हैं कर्नाटका यूथ वेलफेयर प्रोग्राम के शॉर्ट हाइलाइट्स। कर्नाटका यूथ वेलफेयर के साथ साथ कई सारे एनजीओस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना हिम्मत आगे बढ़ा रहे हैं और टीम बकरीद को सपोर्ट दे रहे हैं। इनका थीम भी काफ़ी अच्छा है कि बकरीद के दिन एक और जिम्मेदारी मोहल्ले की सफाई हो हमारी। यूथ वेलफेयर कर्नाटका का स्ट्रॉन्ग मैसेज जाते हैं। मेरा नाम शेख फहाद मोहसिन, प्रेसिडेंट यूथ वेलफेयर कर्नाटका। हर बार की तरह इस बार भी यूथ वेलफेयर कर्नाटका टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। जो भी बकरीद पे कुर्बानी देते जानवर की, उनसे गुजारिश है कि गंदगी आतराफ अपने फैलाइए मत, बारिश का सीज़न है और डेंगू के चांसेस ज़्यादा है, तो बरल मेहरबानी एक जम्बू कैरी बैग मिलती है। जम्बू कैरी बैग में जो भी वेस्टेज है अपना, वेस्टेज डाल के जहाँ पर कॉर्पोरेशन की गाड़ी जाती है वहाँ पे कॉर्पोरेशन की गाड़ी वालों को दियो, या नहीं तो फिर ये नंबर पे इत्तला करो, हम लोग वहाँ पे हाजिर रहेंगे आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला। आपको अगर कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है तो उसमें सहूलत के हिसाब से आप फेंके, ऐसा वेस्ट फेंक के किसी को भी डिस्टर्बेंस मत करिए आप। पहले ये हालात बहुत टाइट चल रहे हैं, इस हालात में आप साफ़ सुथराई और बहुत ख्याल करिए, फिनल का इस्तेमाल करिए खास करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दो साल से मुसलसल ये टीम काम कर रही है बकरीद ईद पे, जहाँ पर किसी भी घर के सामने या कूड़े के पास जो गिलाज़त फेंके हुए हैं, अगर वहाँ पर कॉरपोरेशन मौजूद नहीं है तो वहाँ पर यूथ वेलफेयर टीम मौजूद है वहाँ पर। तो गुलबर्गे के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसी तकलीफ़ हुई, गिलाज़त फेंकने की तकलीफ़ आई या कुछ कॉरपोरेशन के तरफ से लापरवाही हुई, तो इस दिए गए नंबर पे आप यूथ वेलफेयर सोसाइटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टीम वहाँ पर मौजूद होकर आपके लिए मदद करेगी और साफ़ सफाई का इंतज़ाम करवाएंगी। गोवा टीम ने एक्सक्लूसिव आज एक कवरेज लिया मानसून के इस अच्छे मौसम के बारे में, जहां पर लोग क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या उनकी दिलचस्पी है और क्या क्या बाहर मिलता है, किस तरह का मौसम है और लोगों के रिएक्शंस क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। मौसम का फुल मज़ा ले रहे हैं आप? हाँ, आप क्या लिए यहाँ से? मजे मजे लिए। अच्छा सही है, ठंडा गिर आप बोलो बेटा, मौसम के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब अच्छा मौसम है आज गुलबर्गे में अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मज़ा ले रहे हम लोग भी मजे खाते हुए। अच्छा सही है, और बेटा आप भी मजे कर रहे हो? आप क्या क्या खाए यहाँ पे? वड़ा। वड़ा खाए क्या? पार्सल पार्सल ले तो। अरे बोली थी ना बच्चा ईजान, फोन करा था ले को। अरे मौसम अच्छा है, गरम गरम भजे अच्छे हैं। Thank you.
दो लाइन मौसम के ऊपर। आज मौसम बड़ा बेमन है, बड़ा बेमन है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 8 बजे 9 बजे खाना खा के जाएंगे कहते बाहर। हाँ ठीक है रखो, इधर ला 50 रुपए के ले तो ना मिर्ची बजे आलू के इधर। हाँ ठीक। आप घर से फोन आया था या फिर आप कॉल करें घर पे? घर से फोन आया था भाई। अच्छा, घर से फोन आया था, मौसम अच्छा है, पकौड़ी या तो गरम गरम भजे लो बोले, और हमारा नवासा भी है। ई कॉलेज नली गर्ल स्टूडेंट्स के स्पेशल एनकरेजमेंट इदे। ಈ ಕಾಲೇಜು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಖಿರ್ ಮೇ ಹಮ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೈನ್ ಆಜ್ ಕಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕಿ। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, डोंट लेट यस्टरडे मेस अप टुडे व्हिच विल रून टुमारो। यानी कि अपने कल को आज आप मेस अप होने ना दे, क्योंकि ये आपका बिगाड़ देगा आने वाला कल। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है, और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गो हैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाई KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Delhi Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear exclusive for suits and sherwanis.